Hello people, what's up? Welcome back to Show Kadak Reaction. My Mohit Chavis. Mohit Raj. I thought. आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं मेगा स्टार चिरंजीवी की फिल्म विद खुद के ही फर्जन यानी कि औलाद यानी कि बेटे रामचरण के साथ. इट्स कॉल्ड आचार्य, जिसमें है रामचरण और चिरंजीवी इन द लीड रोल. और ये आने वाली है आई थिंक यही महीने में 28 अप्रैल समथिंग, सो सून, ईद के नजदीक. अच्छा, इज इट द मूवी वेयर शाहरुख खान सलमान खान इज वर्किंग? नो, दैट्स गॉडफादर, जो कि चिरंजीवी अब खुद करने वाले हैं उनका लीड. यू नो, यू हैव टोल्ड यू अबाउट लूसिफर, नो, मोहनलाल फिल्म. इट्स अ रीमेक ऑफ दैट फिल्म एंड सलमान खान इज गोना प्ले द, आई थिंक रूमर्स आर लाइक पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर वो प्ले करने वाले हैं, विच इज लाइक अ बॉडीगार्ड और राइट हैंड ऑफ द मेन कैरेक्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन ऑन आचार्य ट्रेलर. एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज आई थिंक हम लोगों ने जब RRR को भी गए थे तो उसका हम लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह देखे थे हम लोगों ने. एंड ऑल्सो इट्स हार्ड टू एक्सेप्ट रामचरण इन एनी अदर रोल नाउ आफ्टर व्हाट वी हैव सीन इन RRR. Yeah. It's very hard to accept him. It's very hard to believe him in any other role. But let's see. He has set a very high standard for himself. Obviously. Yeah, let's see. Let's start the reaction. उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं. उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. इसकी डिटेल्स हमने दिए हैं. सो सॉरी, बिरयानी कॉल. और इतना इतना लंबा है नहीं है, ये चेयर का फर्क दिख रहा है आपको. डोंट थिंक ही इज टॉलर देन मी. या इंडीड, लेट्स वॉच द वीडियो. आचार्य, आचार्य मतलब गुरु. దివ్య వనమొక వైపు, తీర్థ జలమొక వైపు నడుమ పాదగట్ట. పూజారాయ్ స్వామ్యులు పూజలు పురస్కారాలు చేసుకుంటూ కష్టాలు వచ్చినప్పుడు అమ్మోర్ తల్లి మీద పారు వేసి దిక్కు దిక్కుమని ఉంటామేమని పరమాడి ఉండొచ్చు. ఇట్స్ ఎ ట్రైబ్, ఇట్స్ ఎ క్లాన్. ఓ ధర్మస్థలి ద ప్లేస్. యా, నైస్ VFX, వెరీ నైస్ సినిమాటోగ్రఫీ. ఓ వెరీ గుడ్. ఇస్ ఇట్ జగపతి బాబు? ఓ గుండెల మీద కాలు వేస్తే ఆ కాలు తీసేయాలంట, కాకపోతే అది ఏ లైక్ వచ్చి ఒక్కిద్దరు ముక్కు మొహం తెలియని నా కొడుకుల్ని కుట్టి ఏదో చేసేసాననుకుంటున్నావా? నేను వచ్చానని చెప్పాను కానీ చేయటం మొదలు పెడితే क्या बात है. Very star, star-studded movie. Yeah. Bhai, I think the scene where these two gonna come together in the screen, उस वक्त तो I think theater में थालियाँ, सीटियाँ, चीखें, पैसे, चिल्लर उठने वाले हैं. Was I think that was a cool one because I have you know, हम लोगों ने experience किया है वो जब भीमा और रामा राजू एक साथ आते हैं स्क्रीन पे, वो क्या मंजर था उस वक्त, क्या चीखें थी. I think ये तो definitely बहुत unique जुड़ी है. Have these two have done any film together before? Not all.
एक बार गाने में आए स्पेशल अपीयरेंस में भी है आई थिंक देयर इज वन सीन व्हिच आई हैव सीन जहां पर ही हैज कम एज चिरंजीवी या मतलब एक फिल्म में जहां पर वो खुद अपने चिरंजीवी के अवतार में ही आते हैं रामचरण की गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए दैट इज समथिंग अ स्पेशल अपीयरेंस बट आई थिंक दैट इज मगधीरा आई गेस नॉट मगधीरा इट्स अ न्यू फिल्म समथिंग अ न्यू मतलब अ न्यू एज फिल्म नॉट मगधीरा वो कुछ है उसका इज लाइक रामचरण कॉल्स हिम एंड चिरंजीवी सर प्लीज सेव माय गर्लफ्रेंड करके उसको बोलते हैं वो जाके सेव करते हैं उनको इट्स अ टाइप ऑफ अ स्पेशल अपीयरेंस उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई भी पूरी फिल्म में है ये दोनों बट दिस इज अमेजिंग जोड़ी मैन बाप बेटे की आई थिंक बाप बेटों की जोड़ी बहुत कम देखने को मिलती है हमें एग्जैक्टली एंड सक्सेस भी बहुत कम होती है एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं बहुत कम होती है एंड आई डोंट नो अबाउट द साउथ थिंग बट आई थिंक हमारे यहाँ ऊपर नॉर्थ में बॉलीवुड के इसमें आई थिंक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की सिर्फ एक ही जोड़ी हिट हुई थी वो बंटी और बबली में आई थिंक उसके अलावा कहीं पर भी बाप बेटों की कोई भी ऐसी जोड़ी जो कि हिट हुई है आई डोंट थिंक मैंने देखी है बट आई डोंट नो अबाउट द साउथ बट कमिंग टू द ट्रेलर आई थिंक इट्स अ वेरी सीटी मार ट्रेलर सिटी मा एंड इट्स कम्प्लीटली अ वेरी तेलुगुआइट वाइब दे रहा था ये इट इज़ नॉट समथिंग पैन इंडिया जो देखेगा ऐसा लग रहा था एक नज़र से शायद बाद में देखेगा लेकिन अभी के लिए इट हैज दैट तेलुगु वाली जो वाइब थी वो थी ज़्यादा इसमें साउथ में भी तेलुगु जो रीजन है वहाँ का एंड दे नो कि वॉट ट्रिगर्स तेलुगु ऑडियंस एंड वॉट तेलुगु ऑडियंस लाइक्स स्लो मोशंस एंड बीट the eye gestures and how you know what exactly they like usi recipe ka ek kamal hai ye and looks like a clan based movie jahan pe protection karte hain and ek comrade bol raha tha to maybe they were someone who ek gathbandhan bana ke wo fight karte hain kisi logon se wo bhi ho sakta hai wahan pe comrade bula raha tha wo uska type of comrade matlab jo trained hote hain jo ki arms mein lagate hain to uske wajah se lag raha tha wo to overall aisa lag raha hai ki isme चिरंजीवी पहले होते हैं बाद में ये सॉरी रामचरण पहले होते हैं चिरंजीवी बाद में एक आधे पौने घंटे बाद आएंगे शायद या फिर इंटरवल के बाद भी आ सकते हैं कुछ ऐसा हो सकता है बट या वी सॉ द कटआउट ऑफ दिस मूवी इन व्हेन यू वेंट एंड हर्ट गॉट टू वॉच आरआरआर फिर देखा कि कौन सी मूवी है पूजा हेगड़े तो मतलब हमने बोला था कि आलू हो गई है हर मूवी में थोड़ी 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 हर जगह पूजा हेगड़े मिल जाती है एंड यहाँ पर भी मैंने सिर्फ एक ही सीन देखी है पूजा हेगड़े की राइट द वन टाइम जो शी टर्न्स दैट्स इट उसके अलावा तो शी चोज गुड मूवीज इनिशियली अभी उनका क्या है कि जहाँ वेर एवर दे जस्ट नीड अ हीरोइन या नॉट एन एक्ट्रेस वेर एवर दे जस्ट नीड अ फी मतलब मेल का जो लव इंटरेस्ट है वहाँ पे पूजा हेगड़े को वहाँ पे जिस दे कीप इट कि यहाँ पे रहो भाई बोल के ऐसे कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स कुछ नहीं कर रही है वो और शायद कैपेबिलिटी भी है भी नहीं उनके पास अनलाइक अदर एक्टर्स जो कि अभी जैसे आलिया भट्ट हो जाए यहाँ पे जो कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स किए हैं उन्होंने लेकिन वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पे इन्होंने एक कैरेक्टर ड्रिवन रोल किया था कौन सी मूवी थी वो मोहनजोदड़ो में लेकिन यहाँ पे जो उनकी इंसल्ट बहुत खराब हुई थी उनकी उसके बाद आई थिंक रिसेंट एक इंटरव्यू आफ्टर द राधे श्याम सक्सेस उनका एक इंटरव्यू में वो बोल रहे थे राधे श्याम सक्सेस क्वाइट सक्सेस या वी कांट से द टाइप ऑफ पैन इंडिया फिल्म जो कि हो सकती थी बट या मेकर्स ने कमाए हैं सो उसके बाद वो एक इंटरव्यू में बोल रही थी कि मोहनजोदड़ो जब उन्होंने की उससे पहले उन्होंने कुछ साउथ फिल्में की मोहनजोदड़ो जब की तो 2 साल मोहनजोदड़ो में लग गए 2 साल तक हम लोगों को ये लग रहा था कि मोहनजोदड़ो बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म वैसी निकली नहीं जिसके बाद उनके पास 2 साल तक फिर काम था नहीं बहुत तकलीफें उठाई बहुत स्ट्रगल किया उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि आई विल डू समथिंग व्हाट आई विल गेट नाउ बिकॉज घर चलाना है उसके बाद अगेन कुछ फिल्मों में अगेन उनका एक नाम चमका आई थिंक आला वैकुंठपुरमलु इज वन ऑफ द फिल्म जो कि उनकी एक फिर लाइफ में एक चेंजिंग पार्ट आया बिकॉज वही फिल्म में उन्होंने एक्चुअली मुझे भी पूजा हेगड़े वही फिल्म में दिखी उसके बाद ही आई थिंक शी गॉट दिस राधे श्याम एंड आई थिंक सलमान खान के साथ भी आफ्टर आला वैकुंठपुरमलु के बाद ही उन्होंने साइन किया था एंड बीस्ट आल्सो एंड बीस्ट तो रिसेंटली ही थी बट दिस फिल्म्स लाइक राधे श्याम कभी दिवाली ऑल दोस फिल्म्स वेयर आफ्टर वंस आला वैकुंठपुरमलु सक्सेस हुई तभी साइन किया था कि विल टेक दिस गर्ल करके बीस्ट वॉज लास्ट ईयर उन्होंने साइन किया सो या डेफिनेटली टैलेंट के बारे में तो हम लोग किसी के बोल नहीं सकते अंटिल एंड अनलेस शी प्रूव्स अस बट मोहनजोदड़ो आई थिंक वो ऐसी फिल्म बन सकती थी अगर वो चल जाती तो शायद पूजा हेगड़े आज कहीं और होती इसमें कोई सब्सटेंस था ही नहीं मतलब कि अगर कुछ वैसा कंटेंट रहता उसमें अगर ऋतिक रोशन की फिल्म थी बट हू नोस सी अच्छा हुआ भी नहीं इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज बिकॉज ग्रेसी सिंह की अगर हम बात करें लगान में शी वॉज एन इंस्टेंट हिट एंड शी बेसिकली
did she was a storm actually. Yeah, I think उसके बाद शी नेवर अभी उसकी उसके बाद क्या हुआ स्वदेश में भी आफ्टर द लव इंटरेस्ट ऑफ शाहरुख खान इस मूवी में जो एक्टिंग की थी उन्होंने उनका नाम भूल गया मैं दैट एक्ट्रेस शी ऑल्सो डिड एन अमेजिंग जॉब बट शी वॉज अगेन नेवर सीन अगेन आई थिंक देयर आर मेनी एक्टर्स जो कि आई थिंक खासकर फीमेल लीड एक्टर्स जो कि कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता नहीं चलता किस गाय था जो भी है अभी शी इज डूइंग रियली वेल अच्छा है बट या अबाउट दीज एक्टर्स व्हाट आई कैन से इज दे हैव एन अमेजिंग स्क्रीन प्रेजेंस एंड व्हाट अ सुपरस्टार नीड्स दे हैव एवरीथिंग इन अबंडेंस ऐसा नहीं कि फोर्सफुली एक सुपरस्टार को बनाया जा रहा है ये बन चुके हैं एक्टर्स ये सुपरस्टार बन चुके हैं रामचरण वाज अ एक्टर जिनको देख के पहले एक यंग एक्टर यू नो जिसे बहुत अंडर एस्टिमेट कराया जाता था मतलब कि मगधीरा एंड ऑल वाज अ फिल्म्स जो कि उनकी बहुत बड़ी हिट रही बट स्टिल उनको एक यंग एक्टर के तरीके से ही देखा जाता था बट रिसेंटली उनकी एक फिल्म देखी थी मैंने रंगस्थलम समथिंग समंता के साथ उसके बाद अगेन आर 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 एंड दिस फिल्म्स नाउ ही इज गोना बी द वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार इन इंडियन सिनेमा फॉर श्योर जो अभी वो यू नो वो पहले भी उनका वो चेहरे में भी था वो मासूमियत आई रिसेंटली आई सॉ अ क्लिप ऑफ जंजीर जहां पर वो संजय दत्त के साथ फेस ऑफ होता है तो जिस तरीके की वो एक्टिंग कर रहे थे जिस तरीके का वो वहां पर वो कर रहे थे मैं उनको आर 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 को देखने के बाद वहां पर देख रहा था उनको तब उस जमाने में तेलुगु मूवीज और जो साउथ इंडियन मूवीज को बहुत ज्यादा ही अरे ये तो ये मूवीज तो ऐसे होते हैं ये तो इसमें तो फिजिक्स ही होती नहीं ये तो ऊपर उड़ते हैं लोग ऐसे वैसे मजाक उड़ाना कोई गन मुर्गन जैसे मूवीज बनाना और ऐसे इनके ऊपर तो ऐसा बहुत बुली किया था इनको तब जंजीर आई तब लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको उन्होंने बोला कह रहे नहीं ये तो साउथ इंडिया का हीरो है इसको तो एंड आल्सो वहां पर आई थिंक रामचरण को एक यंग अमिताभ बच्चन के टाइप में उनको प्रेजेंट करना चाहते थे ये एंग्री यंग मैन बट कोई भी बंदा एक ही हो सकता है रामचरण सिर्फ एक ही हो सकता है अमिताभ बच्चन सिर्फ एक ही हो सकता है द सेम थिंग जो वो डायलॉग था वो बैठने के लिए तक ना बोलो तो बैठना बैठा मत करो एंड दैट चुटकी मार के एंड ऑल दो स्टफ वो उनके उन पर सज नहीं मतलब क्या बोलते हैं उसको सूट नहीं कर रहा था बट रामचरण व्हाट ही डज एज अ रामचरण वो डेफिनेटली हम लोग देखना पसंद करेंगे आई थिंक वही हमको यहाँ पर देखने में वी लाइक द ट्रेलर अमेजिंग अमेजिंग विजुअल्स मोर लाइक अखंडा लग रहा था मुझे मोर विजुअली अपीलिंग लाइक अखंडा जो VFX थे उसके बट लेट्स सी व्हाट इट हैज सो या ये था हमारा रिएक्शन आचार्य के ट्रेलर के ऊपर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए अगर आपको मैंने बोल दिया अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में ताकि नेक्स्ट टाइम किस पर रिएक्ट करें जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड यू कैन फॉलो इंस्टाग्राम इसकी डिटेल्स हमने दिए हैं दिस इज मोहम्मद शाहविज़ सेंडिंग ऑफ